नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल सागर शहर में 2 घंटे की बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि निकाय चुनाव के पहले जो हकीकत सामने आई थी और निकाय चुनाव के बाद जो हकीकत सामने आई है उसमें ज़्यादा कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा है। लगातार कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति है, अतिक्रमण भी हटाया गया लेकिन जस के तस हालात हैं। जनता भी यही सोच रही है कि क्या कहें, किससे कहें, कितना कहें और कहां कहां अपने गुहार लगाएं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, सागर शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जितने भी दावे सरकार प्रशासन द्वारा किए गए हैं वो तमाम दावे झूठ साबित हो रहे हैं। और हमने निकाय चुनाव के पहले भी ये तस्वीरें दिखाई थी, उनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है और हम लगातार सरकार से यही मांग करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि सागर की जनता को विकास या सड़कें या बुनियादी सुविधा नहीं चाहिए है, उन्हें चाहिए है एक नाव, और नाव उपलब्ध करा दीजिए, सब काम बनने लगेंगे, लोग तैरकर यहाँ वहाँ विचरण करने लगेंगे और सागर का विकास धरातल से ऊपर लहरों में दिखलाई पड़ने लगेगा। जी हाँ, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने जैसी औपचारिकताएं पूरी की है लेकिन सच ये है कि जो हालात बारिश शुरू होने के पहले दिन थे आज भी उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। बड़ा ही शर्मनाक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के मधुकर साहब वार्ड में एक बार फिर जलभराव की स्थिति बनी है। लोगों के घरों में नालियां गंदा और बदबूदार पानी भर गया है जिसकी वजह से उनके खाने पीने सहित अन्य सामग्री भी खराब हो गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसा हुजूम जो है चुनाव को पहले उमड़ पड़ा था और बारिश में छाता लगा के लोगों को पानी खाली करवा रहा था, वह हुजूम आज देखने को नहीं मिला है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अपना काम बनता उभार में जाए जनता, और यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सागर स्मार्ट सिटी नहीं सुपर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।